लगी हुई है किचन में और इनकी चल रही है पैकिंग। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी पैकिंग स्टार्ट हो गई और हम जा रहे हैं गोवा के लिए दोबारा। मैं 5 दिन के लिए आई थी यहाँ पर, बस 5 दिन पूरे हो गए और पता भी नहीं चला मेरे को। और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं जा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट मतलब शूट पे, मतलब वीडियो में शाम को मिलेंगे। मेरी 11 बजे की ट्रेन है तो हम यहाँ से 10 बजे निकल जाएंगे, तब मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी। तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय। रेडी हो गई हूँ और हम निकल रहे हैं ट्रेन के लिए और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा मन भी नहीं हो रहा है कि मैं व्लॉग करूँ, फिर भी मनाऊँगी, इम्पोर्टेंट है बनाना। तो मिलते हैं आगे जाते हुए। मॉर्निंग के 5 बजने वाले हैं और हम दिल्ली पे हैं और अभी गोवा की ये ट्रेन लगेगी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो हम वेट कर रहे हैं।
माइल्स हमने पीक क्रॉस कर लिया है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। लू चल रही है और ऊपर से हमने स्लीपर बुक कर दिया है गलती से भी क्या, क्योंकि वेटिंग में था, इस वजह से हम लोगों ने एसी नहीं बुक कर पाए और गर्मी से तो हमारी हालत ख़राब हो रही है। और कल पहुँचेंगे हम, आज सुबह चले थे और कल शाम को पहुँचेंगे, दो दिन का सफ़र। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप गोवा आ रहे हैं गर्मियों में तो प्लीज़ स्लीपर ना बुक करें और एसी ही बुक करके आएँ, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो जाती है। फाइनली इतनी गर्मी, सड़ी गर्मी के बाद हम लोग गोवा पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी देर में स्टॉप हो जाएगी ट्रेन, फिर हम अपने रूम में जाके, यार सबसे पहले तो मैं नहाऊंगी, इतना पसीना हो चुका है, इतना पसीना वसीना बहुत ज़्यादा। चलते हैं रूम में, रास्ते में भी मिल सकते हैं। हम पंजी पहुंच चुके हैं अब। तो मैं पहुंच चुकी हूं अपने रूम में और इतना था मेरा सफ़र, बहुत ही घटिया रहा। पसीने पसीने से हम ऐसे हो रखे हैं, बस अब नहाने की हो रही है, जल्दी से नहा लूँगी। नहल गए हैं अपनी स्कूटी लेने के लिए सर के पास, तो वो आ जाएंगे, तब तक मैं फ्रेश हो जाऊँगी। तो ये था मेरा पूरा सफ़र, घटिया था, देख लेना आप लोग जैसा भी था। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।